यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का फाइनल हो जाए यहाँ पर? अरे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इंग्लैंड टॉप टीम है। अच्छा। इंडिया तो पहुंच जाएगा। हाँ। मेरे ख्याल में इंडिया अगर अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से खेले तो इंडिया तो पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान को, इंग्लैंड को हराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो पिच है ये फास्ट बॉलर्स को मदद करेगी। पाकिस्तान के पास भी फास्ट बॉलर्स है, लेकिन जो इंग्लिश फास्ट बॉलर्स है ना, ये टेस्ट करेंगे पाकिस्तान बैट्समैन को। लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान यहाँ पर मुकाबला है, और क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर खेल रहा है तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा ऐसा नहीं हुआ कि वो जानते नहीं, अनजान नहीं है इस जगह से, वो कंफर्टेबल हो चुके हैं, कॉन्फिडेंस भी आ चुका है पाकिस्तान। और जो पार्टनरशिप हुई है सरफराज की, और जिस तरीके से सरफराज की आप खुद कमेंट्री में कल तारीफ कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी कॉन्फिडेंस, भले ही इंग्लैंड इस वक्त इंडिया से भी बड़ी फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं आकी जा सकती। कम नहीं है वो तो माना, क्रिकेट के गेम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान प्लेयर्स को कल इंग्लैंड वाले ऐसे बैकफुट पे रखेंगे, याद रखना, क्योंकि वो लंबे किस्म के भी है, वो शॉट डालेंगे जैसे श्रीलंका ने डाला पहले 20 ओवर के बाद, और पीछे रखेंगे उनको बैकफुट पे, और ये पिच पे यू नो बाउंस मिलेगी फास्ट बॉलर्स को, तो ये टेस्ट होगा पाकिस्तान बैट्समैन, बाउंस झेल सकता है कि नहीं। मैच की पहली गेंद से ऐसा लगा कि भारत डोमिनेट कर रहा है, और आखिर तक कुछ ऐसा ही हुआ है, पाकिस्तान की टीम हमारे सामने कहीं लगती नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर कोई अवार्ड होता ना मेरे पास, तो मैं उनके कप्तान को ये अवार्ड दे देता आज कि कमाल का काम आपने किया है, ओवरकास्ट कंडीशंस, टॉस आपने जीता, जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया और दूसरा ओवर आपने स्पिनर को दे दिया, हैट्स ऑफ। मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होता ना, आज मैं सस्पेंड कर देता उसको एज ए कैप्टन। मतलब उनको तो एक प्राइज देना चाहिए। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ उसको बुलाकर कि भाई मुझे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बता दे तूने किया क्या है। मतलब उसको भी नहीं समझ आएगा, वो बैठेगा सोचेगा मैंने किया क्या, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ये बहुत ऐसे कराते हैं, ठीक, ये पाकिस्तान ही कर सकता है, दुनिया की और कोई टीम नहीं कर सकती। इससे सही निकली, सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि हमने तो पाकिस्तान को धो डाला है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं खुद वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पोते बेटे वाला जो बयान था वो बिल्कुल सही साबित हो गया आप तो? देखिए, पोता बांग्लादेश था, उसको हमने प्रैक्टिस मैच में हराया, फिर बेटा पाकिस्तान था, उसको हमने आईसीसी के पहले मैच में हराया, इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला था। पाकिस्तान की टीम, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत इनएक्सपीरियंस टीम है, भारत की बहुत अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, वेल टीम है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के मुकाबले, और मुझे लगा नहीं था कि ऐसा पाकिस्तान को इतने आराम से हरा देगा। मुझे लगा था थोड़ा तो रोमांच आएगा मैच में, लेकिन कोई कंपटीशन ही नहीं था, कोई फाइट भी नहीं थी पाकिस्तान ने, और बड़े आराम से ये मैच हार गया। इंडिया, बड़ी खबर ये कि अब ड्रीम फाइनल हो सकता है मुमकिन, क्योंकि पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया है। जी हाँ, इन फॉर्म इंग्लैंड की टीम, जिसने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा था, वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान के हाथों उन्हें मिली है करारी हार। पाकिस्तान जो कि नंबर 8 था इस पूरे टूर्नामेंट में, बड़ी मुश्किल से इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया, और अब पाकिस्तान फाइनल पहुंच चुका है। इंग्लैंड को हराकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है, 8 विकेट से हराया है पाकिस्तान को, और अब दूसरा सेमीफाइनल जो कि कल होगा बर्मिंघम में, भारत और बांग्लादेश का, और अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो फिर हो जाएगा एक ड्रीम फाइनल रविवार को भारत और पाकिस्तान का। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही कि इंग्लैंड 8 विकेट से हार चुका है पाकिस्तान से, और अब सबकी नजरें होंगी कल होने वाले सेमीफाइनल में, क्योंकि रविवार को होगा ड्रीम फाइनल। संदीप पाटिल यहां मेरे साथ हैं स्टूडियो में। संदीप, हम बार बार यही चाह रहे थे कि भारत पाकिस्तान का ड्रीम फाइनल हो, एक पड़ाव हो चुका है, पाकिस्तान ने आज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके फाइनल में पहुंच चुका है, और अब कल इंडिया की बारी। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, लेकिन आज इस मैच में अनसर्टेनिटीज देखने के लिए नहीं मिली, जो अनुशासन, जो संयम, जो इंटेंट जो पाकिस्तान ने आज दिखाया है, काबिले तारीफ है, और बधाई देना चाहूंगा, और मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा। आप पहले शख्स थे, और हमारा एबीपी न्यूज ये पहला चैनल था जिन्होंने ये इस ड्रीम फाइनल की बात छेड़ी थी। हमने बात इसलिए छेड़ी क्योंकि यही बात पूरा पब्लिक कर रहा, पूरा इंडिया कर रहा, क्योंकि वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो, और वही हमने बयान किया, और ऐसा होने वाला है। बिल्कुल,
ये होना चाहिए। अभी एक पड़ाव बाकी है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुकी है, इंडिया को अगला मैच जीतना होगा और उसके लिए अच्छी कोशिश करनी पड़ेगी, जो कोशिश पाकिस्तान के पूरे खिलाड़ी उनके जो पहला मैच रहा था, देखो हार के बाद सबक सीखना बहुत जरूरी है, जो सबक टीम इंडिया ने सीखी श्रीलंका के बाद हार का झेलने के बाद, जो सबक पाकिस्तान ने सीखी इंडिया के साथ हारने के बाद। लेकिन क्रिकेट का खेल ही इतना मजेदार है कि क्या होगा कब होगा पता नहीं चलता। जी हाँ, लेकिन अब सबको इंतजार है ड्रीम फाइनल का। कैसे होगा ये ड्रीम फाइनल? पाकिस्तान आज जीत चुका है और कल भारत का दूसरा सेमीफाइनल होगा। कल के मुकाबले में बांग्लादेश और भारत की टक्कर होगी। आज पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है और अब सबकी नजरें होंगी कल होने वाले सेमीफाइनल में। बर्मिंघम में खेला जाएगा ये मुकाबला और वहां पर होगा भारत और बांग्लादेश की टक्कर। और अगर भारत कल का मैच जीत जाता है तो फिर रविवार को ओवल में लंदन में होगा इंडिया पाकिस्तान का ड्रीम फाइनल। जी हाँ, सबकी नजरें उधर होंगी। 18 जून को खेला जाएगा ड्रीम फाइनल, लेकिन उसके लिए कल भारत को बांग्लादेश को हराना है और फिर होगा महाटक्कर और महाटक्कर की महाकवरेज यहां पर लगातार होती रहेगी एबीपी न्यूज पर। हमारे साथ